कार पेट्रोल। हाय एम्बर, बिजी हो आज? क्या बात है एम्बर? बेबी एम्बर यहीं खेल रही थी और अब वो मिल नहीं रही। घबराओ मत एम्बर, चलो कार पेट्रोल को बुलाते हैं। हाय दोस्तों, एम्बर को मदद चाहिए। बेबी एम्बर हॉस्पिटल से कहीं गायब हो गई है। मदद करोगे? ग्रेट, चलो चलें। जल्दी तुम यहाँ देखो हेक्टर, हो सकता है बेबी एम्बर हॉस्पिटल से बाहर आ गई हो। कार पेट्रोल आ गई एम्बर, उन्हें बताओ क्या हुआ है। तो बेबी एम्बर यहीं बॉल से खेल रही थी, फिर गायब हो गई। अजीब बात है। वहाँ तो नहीं है। यहाँ भी नहीं है। कहाँ जा सकती है बेबी एम्बर? चलो देखते हैं हेक्टर क्या कर रहा है। कुछ मिला हेक्टर? ये तो बड़ी अजीब बात है। शायद तुम्हें कुछ मिला है मैट। मैं हूँ पेपा। अगर बेबी एम्बर की बॉल इस स्ट्रेचर से उछलकर उधर चली गई हो तो वो तो सप्लाई क्लोजेट है, उसके अंदर तो वो बिल्कुल नहीं होगी। क्या तुमने वो सुना? क्लोजेट में से आवाज आ रही है। अच्छा आइडिया है फ्रैंक, दरवाजे को खोलने की कोशिश करो। पीछे हो जाओ बेबी एम्बर, एक दवाई के डब्बे से दरवाजा अटक गया है इसलिए ये खुल नहीं रहा। कोशिश करते रहो फ्रैंक। तुमने खोल दिया फ्रैंक। तुम ठीक हो बेबी एम्बर, बहुत अच्छे कार पेट्रोल। हेक्टर को बता दो कि बेबी एम्बर मिल गई है। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। कार पेट्रोल।
रात में भी बिजी हो? शाबाश, कितनी शांति है शहर में। लगता है सारे उपद्रवियों सो रहे हैं। मैट, क्या तुमने भी किसी को रोते हुए सुना? चलो चलकर देखते हैं। देखो वो रहा बिन द ट्रैक्टर। हे बिन, क्या तुमने भी किसी को रोते हुए सुना? अच्छा ठीक है। चलो गैरी द गार्बेज ट्रक को पूछते हैं, उसे पता हो सकता है। हे गैरी, माफ करना, पर क्या तुमने किसी को रोते हुए सुना? अच्छा ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, चलो दूसरे गली में देखते हैं। वो तो सूजी है, द लिटिल पिंक कार। हे सूजी, क्या बात है, कोई परेशानी है? ओह, लाइट्स काम नहीं कर रहे और तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा ठीक से। घबराने की जरूरत नहीं है सूजी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। पर तुम अपना हेडलाइट्स का इस्तेमाल कर सकती हो। अरे रे, तुम्हारे हेडलाइट्स खराब हैं? ओह, तो इसलिए तुम इतनी डरी हुई थी। चिंता मत करो सूजी, मैट तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाएगा। हे मैट, तुम कहाँ चल रही है? मैं समझ गया, फ्रैंक सिर्फ थोड़ी दूर पे है, वो तुम्हें सुन पाएगा। हे फ्रैंक, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सूजी को घर जाना है पर उसके हेडलाइट्स टूट गए हैं और सड़क पर काफी अंधेरा है। क्या तुम हमारी मदद करोगे फ्रैंक? शुक्रिया फ्रैंक। अब आप दोनों सूजी को घर छोड़ सकते हैं। चिंता मत कर सूजी, मैट और फ्रैंक संभाल लेंगे। क्या तुम्हें वो शोर सुनाई दिया? किधर से आया वो? उस परछाई को तो देखो, वो एक डरावना मॉन्स्टर लगता है। क्या हमें वापस चले जाना चाहिए? वो तो बिली द बुलडोजर है, वो नींद में चल रहा है। हे बिली, उठो उठो बिली। बिली, क्या तुम बता सकते हो कि हम कार सिटी सेंटर कैसे जाएं? शुक्रिया बिली। और ध्यान रखना कि तुम ड्राइव करते हो, सो ना जाओ। बाय बिली, फिर मिलते हैं। ये देखो सूजी, तुम पहुंच गई। बाय सूजी, और अपने हेडलाइट्स कल जरूर ठीक करवा लेना। मैट, फ्रैंक, अगली बार मिलते हैं। बाय बाय। Go
कार पेट्रोल। वो रहे सूजी और जेरेमी, काफी खुश लग रहे हैं दोनों। ओह, तो वो लोग प्लेग्राउंड जा रहे हैं। क्या हुआ दोस्तों? ओह नहीं, किसी ने मैदान में तोड़फोड़ कर दी है। मुझे लगता है तुम्हें किसी और दिन आना होगा खेलने के लिए। पर अभी तो ये बात मैट को बतानी चाहिए। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। एक एक करके बोलो। ग्रेट, मैट और फ्रैंक मदद करेंगे। अच्छा आइडिया है दोस्तों, फैल जाओ और ऐसे बदमाशों को जल्दी ढूंढ पाएंगे। वो क्या था? शायद वही बदमाश होंगे। ओह, ये तो फ्रैंक है। वो बदमाश जरूर छुप रहे होंगे। तुम्हें लगता है वो शाम को निकलेंगे? उम्मीद है मैट और फ्रैंक उन्हें शाम को पकड़ लेंगे। ओह, मैदान में तो कोई भी नहीं है। तुम्हें ढूंढते रहना होगा दोस्तों। ये आवाज तो कंस्ट्रक्शन साइट से आ रही है, लेकिन दरवाजे तो बंद है। बढ़िया आइडिया है, इस कैमरे के साथ तुम फेंसिंग के ऊपर से देख पाओगे। धीरे धीरे। ये तो वही बदमाश है और ये लोग फिर से कुछ गलत करने वाले हैं। पकड़े गए, ये तो टायलर टाइक और उसका दोस्त है। लगता है तुम्हारी रात जेल में बीतेगी। हमारे मैट और फ्रैंक ये दोनों रात भर यहीं थे, देख रहे थे कहीं वो बदमाश भाग ना जाए। जाने से पहले तुम दोनों के लिए कुछ काम है। तुम दोनों को मैदान की सफाई करनी होगी। आखिर तुम दोनों ने ही यहाँ की ये हालत की थी। तो अब तुम दोनों खेलना चाहते हो सफाई करने के बाद? लगता है सूजी और जेरेमी भी यही चाहते हैं।
मैट सही है, तुम दोनों ने अपनी मस्ती कर ली, अब दूसरों को खेलने दो। मैदान को फिर से ऐसा देख के अच्छा लग रहा है। वक्त है इन बदमाश बच्चों के घर जाने का। उम्मीद है इन्होंने अपना सबक सीख लिया होगा। बहुत अच्छा काम किया दोस्तों, कार सिटी फिर से सुरक्षित और साफ है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। कार पेट्रोल। गुड इवनिंग चार्ली। जरा देख के, बिजली की तार है। ओ नहीं, ये तो वो केबल थी जिससे स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक लाइट जलती है। चिंता मत करो चार्ली, हम इसे जरूर ठीक कर लेंगे। लेकिन हमें जल्दी कुछ करना होगा, वो सब कार्स तो गुस्से में लग रही है। हे मैट, हे फ्रैंक, तुम्हारी ही तो जरूरत थी। सारी लाइट्स ऑफ हो गई हैं, हर तरफ अंधेरा हो गया है और वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया है। देखो चार्ली, मैट और फ्रैंक आए हैं मदद के लिए। चार्ली बहुत शर्मिंदा है कि उससे वो तार टूट गया, लेकिन उसने जानबूझ के नहीं किया, वो तो एक्सीडेंट था। कोई बात नहीं चार्ली, गलती तो सबसे होती है। लगता है मैट के पास तुम्हारे लिए काम है, तुम दोबारा सब कुछ ठीक कर सकते हो। क्या तुम ट्रैफिक ठीक करने में मैट की मदद करोगे? तब तक फ्रैंक टॉम द टो ट्रक से कुछ सामान ले आएगा। कर लिया दोस्तों, मैट ने ठीक कहा चार्ली, तुम्हारी मदद के बिना ये नहीं हो पाता। तुमसे गलती हुई, लेकिन तुमने सब ठीक कर दिया, बहुत खूब।